मॉनिटर FIA NCB इंटरपोल की तारीखी कामयाबी तफसील के मुताबिक खसूसी ऑपरेशन के दौरान संगीन जराय में मतलूब नौ मुलजमान को UAE से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजमान की गिरफ्तारी इंटरपोल इस्लामाबाद की इंटरपोल अबूजहबी के साथ मुश्तरका हिकमत अमली के नतीजे में अमल में लाई गई। गिरफ्तार मुलजमान पंजाब पुलिस को मतलूब थे। गिरफ्तार मुलजमान में अरफान असगर फरहान नजाकत समर अब्बास नजीबुल्ला सदाम हुसैन शामिल। गिरफ्तार मुलजमान में मोहम्मद रफीक मोहम्मद साकिब मोहम्मद उस्मान और तारिक महमूद शामिल हैं। मुलजमान के खिलाफ कतल और इकदाम कतल की दिफात के तहत मुकदमे दर्ज थे। मुलजिम तारिक महमूद गुज़श्ता 14 साल से पंजाब पुलिस को मतलूब था, जबकि मुलजिम मोहम्मद रफीक के खिलाफ साल 2011 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम नजीबुल्ला साल 2014 जबकि मुलजिम सदाम हुसैन साल 2018 में कतल करके बिरूने मुल्क फरार हो गया था। दीगर गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा साल 2020 से 23 के दौरान दर्ज किए गए। गिरफ्तार मुलजमान में सियालकोट पुलिस को 3 DG खान पुलिस को 2 मुलजमान मतलूब थे, जबकि फैसलाबाद गुजरांवाला पाकपतन और बखर पुलिस को 1-1 मुलजिम मतलूब था। मुलजिम कतल करके बिरूने मुल्क फरार हो गए थे, जिन्हें UAE की मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम को UAE से पाकिस्तान मुंतकिल करने के लिए टीम रवाना कर दी गई। गिरफ्तार मुलजमान को लाहौर एयरपोर्ट पर पंजाब पुलिस हुकाम के हवाले किया जाएगा।